नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक मधेपुरा न्यूज में। मधेपुरा पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मालूम हो कि एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मधेपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोसी क्षेत्र के डीआईजी शिवदीप लांडे के द्वारा जिला के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शंकर यादव उर्फ शंकर कुमार सुमन, पेशर स्वर्गीय जियालाल यादव, साकिम शेखपुर चमन गोसाई टोला थाना उदा किशनगंज जिला मधेपुरा को रखा गया था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 24/6/2022 को पतरघट ओपी के पहाड़पुर गांव जिला सहरसा से शंकर यादव उर्फ शंकर कुमार सुमन को गिरफ्तार किया गया है, जो आर्म एक्ट के केसों में करीब 20 वर्षों से फिरार चल रहे थे। बताया जा रहा है इसके ऊपर भिन्न भिन्न न्यायालय द्वारा कुल 4 अस्थाई वारंट निर्गत है। इस संबंध में एसपी राजेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे जिला के टॉप 10 वांछित अपराध कर्मियों में से एक अपराध कर्मी शंकर यादव और शंकर कुमार सुमन, पेशर स्वर्गीय जियालाल यादव, शेखोपुर चमन गोसाई टोला ग्वालपाड़ा उदा किशनगंज थाना के रहने वाले हैं। 1992 से इनके विरुद्ध में कई कांड है, जिसमें 4 हत्या का कांड भी शामिल है और 3 जो कि है अटेम्प्ट टू मर्डर का कांड है, और काफ़ी दिन से फरार चल रहे थे। काफ़ी मशक्कत के बाद में कल उदा किशनगंज पुलिस को इनके बारे में सूचना मिली। इस सूचना पे इन्होंने थानाध्यक्ष उदा किशनगंज जेपी चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पतरघट ऊपरी क्षेत्र में जा कर के इनको गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। ये लाल वारंट भी इनके विरुद्ध में निकला हुआ है, 4-4 वारंट उदा किशनगंज थाना में लंबित था। इस तरह से एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है उदा किशनगंज थाना और मधेपुरा जिला की। आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई है। फरार अभियुक्त थे, काफ़ी वर्षों से फरार चल रहे थे, लगभग 30 साल से, और इतने दिनों के बाद इनकी गिरफ्तारी असंभव हुई।